हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो आपका चैप्टर 11 चैप्टर था, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 159 निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शाइन अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। अगर आप अंधेरे में एक टॉर्च जलाएंगे, कैन यू सी अ सर्किल ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो क्या आप देख, मतलब आप देख सकते हैं कि एक सर्किल बन जाएगा आपके सामने। मूव द टॉर्च टू योर राइट। अगर आप राइट की तरफ अपने टॉर्च को मूव कराएंगे, यू विल नाउ बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट ऑन योर राइट, तो आपके राइट में जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा आपको वो दिख जाएगा। बट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। वाई डू यू ऑलवेज सी ओनली द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इन्होंने बोला है कि वाई डू यू ऑलवेज सी, क्यों हमेशा सी ओनली द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च, यानी कि जो भी टॉर्च के सामने चीज़ें आ जाएंगी या जो भी टॉर्च के सामने चीज़ें रखी होंगी, ऐसा क्यों है कि वही दिखाई देती है, उसके आसपास की चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसा बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लाइट है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आपने लेफ़्ट डायरेक्शन में टॉर्च को मूव कराया तो लेफ़्ट साइड की चीज़ें दिखाई देंगी, अगर आपने राइट साइड में टॉर्च को मूव कराया तो राइट साइड की चीज़ें दिखाई देंगी, अगर आप फ्रंट में टॉर्च को रखते हैं तो फ्रंट की चीज़ें दिखाई देंगी। तो इससे यही क्लियर होता है कि जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ होता है उसका लाइट का। दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। हैव यू एवर सीन द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर ट्रेवलिंग टू द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट। क्या आपने सिनेमा प्रोजेक्टर में देखा है कि जो स्क्रीन पर लाइट होती है वो आपके फ्रंट ऑफ इट कैसे ट्रैवल करती है। आर देयर एनी अदर वेज, या फिर कोई अदर वे टू फाइंड आउट वेदर लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कोई और तरीका देखा आपने जिसमें लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ये आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या, मैं नॉर्मली आपको समझा देती हूँ कि एक कार्डबोर्ड शीट ली हुई है और उसमें तीन कार्डबोर्ड अलग से लगाए हुए हैं इन्होंने, और उनमें होल किया हुआ है, उन कार्डबोर्ड शीट में होल किया हुआ है, और उस होल के एक साइड हमने अपने फेस को रखा हुआ है और दूसरी साइड हमने मतलब एक कैंडल या फिर कोई भी सोर्स हमने जलाया हुआ है। तो आपने देखा कि जब आपने होल बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो पहले कार्डबोर्ड में जिस जगह होल किया है सेकंड में भी वहीं और थर्ड में भी वहीं किया है, तो आपको लाइट बिल्कुल सीधी यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप होल को डिसबैलेंस कर देते हो, यानी कि पाथ उनका चेंज कर देते हो, अगर आपने उनकी डिस्टेंस अलग अलग की है, मान लो आपने फर्स्ट जो होल किया है वो इस जगह किया है और सेकंड वाला होल आप इधर कर दोगे और थर्ड वाला होल इधर कर दोगे, तो कभी भी आपको लाइट ऐसे नहीं दिखाई देगी, यानी कि जिग जैग मोशन में लाइट नहीं होती, लाइट हमेशा स्ट्रेट होती है। तो अगर आप देखोगे तो, और इधर कैंडल जो जलेगी, कैंडल की जो रोशनी आएगी वो हमेशा स्ट्रेट में आएगी। अगर उसके सामने जो चीज़ होगी या अगर होल होता तो उसमें से लाइट पास हो जाती। मान लो ये आपकी कैंडल रखी हुई है, इसमें यहाँ पर होल है तो यहाँ से पास होगी। अगर सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि बिल्कुल उसके सामने होल होगा तो यहाँ से पास होती हुई वो सामने निकल जाएगी। लेकिन अगर होल यहाँ पर होगा तो वो ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर ट्रैवल करने लगेगी, नहीं, क्योंकि लाइट हमेशा जो कैंडल की जो रोशनी होगी वो आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड में दिखाई देगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन में, वो कभी भी जिगजैग मोशन में दिखाई नहीं देगी। तो यही होता है, इसलिए बोला गया है कि लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो प्रॉपर्टी होती है लाइट ट्रैवल करने की स्ट्रेट लाइन में, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, रे एंड बीम्स के बारे में बात करेंगे। यू हैव लर्न डैट लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी आपने देखा कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अगर आपको कहीं रे ऑफ लाइट का साइन बनाना पड़े, ठीक है, कि हम कैसे शो करते हैं तो उसको ऐसे शो करते हैं, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। और अगर आप ए बीम ऑफ लाइट के बारे में अगर आपको कोई शोन कराना है, कहीं पर भी दिखाना है, तो ए बीम ऑफ लाइट यानी कि बहुत सारी लाइनें हम बना देंगे जो स्ट्रेट लाइन होंगी और एरो वाली लाइनें बनाएंगे। एक कलेक्शन ऑफ रेज, जो रेज का कलेक्शन होता है उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, और एक लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद है शैडो, शैडो के बारे में पढ़ेंगे।
यू मस्ट हैव सीन योर शेडो फॉलो योर एवरीवेयर. आप देखते हो अपने आसपास भी देखते हो शेडो परछाई. यू माइट हैव ऑल्सो सीन शेडो ऑफ प्लांट, प्लांट की शेडो, एनिमल की शेडो और अदर ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की शेडो देखते हो. वी हैव स्टडीड एट ओपेक ऑब्जेक्ट, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम. और आपने अभी पढ़ा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट में से कोई भी लाइट पास नहीं होती. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो क्या होता है जब ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है. सिंस लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, क्योंकि उसमें से तो कोई भी लाइट पास नहीं होगी. द स्पेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स डार्क. तो स्पेस जो उसके बिहाइंड होगा, बैक साइड में होगा, वो डार्क दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड ए शेडो. तो उसी को ही क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं. उसी को ही क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं. यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ है जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसके बैक साइड में कोई भी लाइट, कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देगी. तो उसी को ही उसकी परछाई बन जाएगी वो. तो उसी को ही क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं. द डार्क पैच फॉर्म्ड इन द स्पेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड या फिर बैक साइड एक डार्क पैच बन जाता है. डार्क पैच हमें मिलता है, फॉर्म्ड होता है, वेयर द लाइट इज़ पार्शियली और होली कट ऑफ इज कॉल्ड ए शेडो. जहाँ पर लाइट बहुत मतलब नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उसके बैक साइड में ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वहाँ पर लाइट, उस ऑब्जेक्ट के लाइट पास नहीं होती. तो इसी वजह से वहाँ पर एक शेडो बन जाती है, तो जिसको हम परछाई बोलते हैं. कंडीशन क्या होती है शेडो बनने की कंडीशन. देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट. वहाँ पर एक लाइट का सोर्स होना चाहिए. देयर मस्ट बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट. और ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो ऑब्स्ट्रक्ट करे लाइट के पाथ को, यानी कि उसमें से पास ना हो लाइट. देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन. एक ऐसी स्क्रीन होनी चाहिए, ओपेक स्क्रीन जिसको बोलते हैं, ऑन विच ए शेडो कैन बी फॉर्म. जहाँ पर शेडो बन सके एज इट कैन नॉट फॉर्म इन एयर. और वो मतलब उसके अंदर से एयर पास ना हो, ठीक है. ऐसा ओपेक स्क्रीन होनी चाहिए एज इट कैन नॉट फॉर्म इन एयर, जो एयर की फॉर्म में ना हो. तो उसी से ही हम पता लगा सकते हैं, यानी कि हम शेडो को बना सकते हैं, परछाई को बना सकते हैं. इन द अबव एक्टिविटी इफ़ यू चेंज द कलर ऑफ द बॉल डज इट है. जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते हैं इस एक्टिविटी के बारे में भी. चलिए, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 4. एम है टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, कि शेडो कैसे बनती है इसकी स्टडी करेंगे. मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, एक टॉर्च चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए और टेप, एक बॉल चाहिए और एक बेयर वेल चाहिए, वॉल चाहिए, दीवार. प्रोसीजर क्या है इसका, कवर द फ्रंट ग्लास ऑफ टॉर्च. टॉर्च के फ्रंट को, ग्लास को हम कवर कर देंगे विद ब्लैक पेपर से और टेप, और टेप से, एंड मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर. और सेंटर में उस पेपर में एक होल बना लेंगे. दिस विल गिव यू अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. तो हमें क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देगी, यानी कि जब हम ब्लैक पेपर से ढकने के बाद उसमें एक होल बना लेंगे. सेकेंड पॉइंट है, इन ए डार्क रूम स्विच ऑन द टॉर्च एंड पॉइंट इट टूवर्ड्स द वॉल. और एक डार्क अंधेरे वाले रूम में चले जाएंगे और हम उस टॉर्च को जलाएंगे एक दीवार के ऊपर. प्लेस द बॉल इन द पाथ ऑफ लाइट, और उस लाइट के यानी कि जो वो पाथ जा रहा है, यानी कि एक टॉर्च हमने जला के रखी और दीवार के ऊपर हम मार रहे हैं उस टॉर्च को, यानी कि उसकी लाइट को फॉल करा रहे हैं. तो बीच में हमने एक बॉल रख दी. मूव द बॉल टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टॉर्च. और हम उस बॉल को टूवर्ड्स और उसके पास, उसके आसपास, यानी कि मूव कराते रहेंगे उस बॉल को, उससे दूर कराते रहेंगे. और टॉर्च के सामने ही वो बॉल रखी होगी, लेकिन कभी उसको पास करेंगे टॉर्च के और कभी उसको दूर करेंगे. तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व क्या किया है, व्हेन बॉल वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च. अगर हम टॉर्च के फ्रंट में उस बॉल को रखते हैं, इट वाज ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल. तो हमें वो वॉल के अपोजिट साइड में दिखाई देगी. व्हेन द बॉल वाज मूव टूवर्ड्स टॉर्च. अगर हम बॉल को मूव कराते हैं टॉर्च के टूवर्ड्स में, द शेडो फॉर्म्ड वाज इन साइज. किस साइज में शेडो दिखाई देगी. व्हेन द बॉल वाज मूव टूवर्ड्स द वॉल. अगर हम मूव कराएंगे टूवर्ड्स में बॉल को, द शेडो फॉर्म्ड वाज इन साइज. तो शेडो का साइज क्या होगा जब हम टूवर्ड्स और अवे कर देंगे टॉर्च को, ठीक है. कभी हम पास में ले जाएंगे बॉल को और कभी हम दूर ले जाएंगे, तो उसके साइजेस क्या क्या होंगे. और हमें कहाँ पर वो जो शेडो है वो बॉल की, वो कहाँ पर दिखाई देगी, कहाँ पर बनेगी, अपोजिट ऑफ वॉल. कंक्लूजन क्या निकला, यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर. अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई भी चीज़ हमने ली है और वो सोर्स ऑफ लाइट के बिल्कुल पास में रख देंगे, तो जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का या फिर शेडो का जो साइज़ है वो इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाएगा. एंड व्हेन इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. और जब हम उसको दूर ले जाएंगे सोर्स ऑफ लाइट के, तो जो साइज़ है शेडो का वो डिक्रीज़ हो जाएगा. यानी कि हमें दो ही चीज़ देखने को मिली, अगर हम उस बॉल को टॉर्च के पास लाते हैं, बिल्कुल पास लाते हैं, तो जो शेडो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम दूर ले जाते हैं तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चला है.
नेक्स्ट है, यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट योर शेडो इज ऑलवेज बैक ब्लैक, ब्लैक कलर की शेडो होती है, आपने अभी ऑब्जर्व किया है, हमेशा ब्लैक कलर की ही शेडो बनेगी। मोर ओवर इट चेंजेस लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में उसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द पोजिशन ऑफ द सन, की पोजिशन की वजह से जो हमारी परछाई होती है वो चेंज होती रहती है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई। अब जैसे नून के समय अगर आपके सर के ऊपर सूरज है तो आपकी बिल्कुल जो साइज़ आपका है वही उसी साइज़ की परछाई बनती है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग के टाइम से देखना शुरू करें तो जो परछाई होगी वो थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। और बिल्कुल सुबह के टाइम पे देखें, यानी कि इवनिंग, नून और इवनिंग, इवनिंग के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में जो आपकी परछाई होगी, देखो अगर लाइट सोर्स के बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट चला जाए तो वही बात है, शेडो की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर उससे दूर हो जाए ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट से दूर हो जाए, यानी कि इवनिंग के टाइम में चला जाए, तो जो हमारा साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा। एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट डार्क शेडो, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो डार्क शेडो बनाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वीक शेडो बनाते हैं, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कोई भी शेडो नहीं बनाते, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जिनके आस बिल्कुल आर पार लाइट पास हो जाए, ठीक है, तो उनमें कोई भी शेडो, कोई भी परछाई नहीं बनती। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 161। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस ए शेडो ऑफ टोटल डार्कनेस इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज बिगर। अगर हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं तो टोटल डार्कनेस शेडो की दिखाई देगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लाइट का सोर्स बढ़ा दें तो द शेडो इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो हमें अच्छे से हम डिफाइन नहीं कर सकते शेडो को, नहीं बता सकते। इफ़ देन कंसिस्ट ऑफ टू रीज़न, दो रीज़न हो सकते हैं, अम्ब्रा और पिनम्ब्रा। तो अम्ब्रा और पिनम्ब्रा के बारे में अगर हम पढ़ें, अम्ब्रा क्या होता है, पिनम्ब्रा, अम्ब्रा रीज़न ऑफ टोटल डार्कनेस, यानी कि वो रीज़न जो बिल्कुल डार्कनेस शो करता है, वेयर नो रे ऑफ लाइट एंटर्स, और जहाँ पर कोई भी लाइट की जो रे है वो एंटर ना हो सके, उसको अम्ब्रा बोलते हैं। और पिनम्ब्रा बोलते हैं रीज़न ऑफ पार्शियल डार्कनेस, या थोड़ी बहुत, या फिर ना ही, ना के बराबर कोई भी लाइट वहाँ से, कोई भी रे वहाँ पर एंटर करे। सराउंडिंग द अम्ब्रा, अम्ब्रा के चारों तरफ, सम लाइट रीचेज दिस रीज़न, और कुछ लाइट वहाँ तक पहुँच सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है लाइट पहुँचे, तो उसको पिनम्ब्रा बोलते हैं। यू कैन ऑब्जर्व अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा बाई रिमूविंग द ब्लैक पेपर और टेप फ्रॉम द टॉर्च इन एक्टिविटी फोर। जैसे आपने एक्टिविटी फोर में जो हमारा सोर्स था लाइट का, टॉर्च थी, उसके ऊपर हमने ब्लैक पेपर लगा कर छोटा सा होल कर दिया था, एक पॉइंट सोर्स बना दिया था, तो उस एक्टिविटी में हमने डू द शेडो गिव अस एन आइडिया ऑफ द साइज एंड शेप, साइज और शेप के बारे में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट्स के लिए, लेट अस फाइंड अवर सेल्व्स। अब ऐसे ही इस एक्टिविटी फाइव में पढ़ते हैं, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, एक स्केल और एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी एक्टिविटी फाइव के लिए। कट आउट अ सर्किल फ्रॉम द कार्डबोर्ड, और एक कार्डबोर्ड में हम एक सर्किल बना लेंगे। मेक ए होल एट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, और इस सर्किल को हम सेंटर में बना लेंगे कार्डबोर्ड के। इन ए डार्क रूम, डार्क रूम में चले जाएंगे, स्विच ऑन ए टॉर्च, और टॉर्च का जो स्विच है वो ऑन कर देंगे। कीप इट ऑन ए टेबल इन फ्रंट ऑफ ए वॉल, और एक वॉल के सामने हम टेबल पर उस टॉर्च को रख देंगे। होल्ड द सर्कुलर कार्डबोर्ड, और हमने जो सर्किल शेप में कार्डबोर्ड काटा था, बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल इन सच ए वे डैट यू गेट ए राउंड शेडो। तो हमने देखा कि जब भी हम जो हमारा सोर्स है लाइट का, यानी कि टॉर्च है, टॉर्च के बीच में और वॉल के बीच में जब हम उस सर्कुलर कार्डबोर्ड को रख देंगे, तो आपकी जो शेप होगी शेडो की वो कैसे दिखाई देगी, सर्किल शेप में दिखाई देगी। स्लोली रोटेट द कार्डबोर्ड, जब आप धीरे धीरे रोटेट कराओगे कार्डबोर्ड को, टिल यू गेट ओनली अ थिन स्ट्रिप, तो आपको एक पतली सी स्ट्रिप दिखाई देगी, थिन स्ट्रिप दिखाई देगी एज इट शेडो की। आल्सो ऑब्जर्व द लाइट पासिंग थ्रू द होल, तो आपको क्या दिखाई देगा कि उस छोटे से होल से लाइट पास होके जा रही है जो दीवार पर शेडो बना रही है, एक छोटी सी स्ट्रिप दिखाई देगी। आप इसको एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी जो लाइट है वो कैसे पास हो रही है उस कार्डबोर्ड शीट में से, कैसी परछाई बना रही है। रिपीट द एक्सरसाइज विद ए स्केल, ऐसे ही स्केल से इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ इट शेडो, तो आप देखेंगे कि साइज घट रहा है और बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है शेडो का। नाउ कीप ए पेंसिल लेंथ वाइज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में हम एक पेंसिल को रख देंगे। द शेडो अपियर एज ए स्मॉल सर्कुलर शेप, मूव द पेंसिल सो एज टू गेट एन एलोंगेटेड शेडो। तो आपको सिर्फ ये सब चीज़ें रख के देखनी है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी शेडो कैसे दिखाई दे रही है उस दीवार पर। ओके स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आपको इसीलिए बताई गई है ताकि आप शेडो के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। नेचर और शेप के बारे में अगर हम शेडो को पढ़ें, तो शेडो डिपेंड करती है साइज, जो शेप है ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर, द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के साइज़ के ऊपर, एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो सोर्स है उसकी पोजिशन के ऊपर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, और लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है।
बच्चों अभी भी आपका चैप्टर रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।